बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और सामीन। हैदराबाद दक्कन से फीडबैक बहुत आलीशान कि उनकी गाय बुखार ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब बढ़ते हैं अगले वॉइस मैसेज की जानिब, देखते हैं ये क्या है। बहुत कमज़ोर भैंस हैं और इन्होंने को वीडियोस भी भेजी हुई हैं, और लेकिन देखते हैं कि इनकी वॉइस में क्या है। ये तो ठीक है, अच्छा आगे क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। सारी भैंस हमारी तो इसको जो ना पता नहीं की मसला हो गया हुआ, तो डॉक्टर को चेकअप कराया, मेडिकल रिपोर्ट भी सेंड की है मैंने आपको, तो तकरीबन 6-7 माह में इसको सूए हो गए हैं। तो ये कोर्स दवाई का करवाया था, तो फिर बीमारी ने फिर हमला कर दिया 2-3 महीने के बाद। डॉक्टर कहता है कि कोड़ा नाला टेक की इसको बीमारी है, फंगस ज्यादा चीज खाने से, कोली वाली रोटी ऐसी। तो मैंने तो किसी से परचेज की थी, ये की भैंस है मेरे, मैं नारवाल से अर्ज कर रहा हूँ, तो आपकी मेहरबानी है, शफकत है, कोई टोटका बता दें। क्या फंगस वाली रोटी खा लिया? अच्छा मेरी जान, इसको इस तरह करें, एट्रोपीन सल्फेट का एक टीका लगाएं, एट्रोपीन सल्फेट, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, अल्लाह फजल करेगा। बॉडी वेट के हिसाब से लगा दें, और साथ इसको 2 दिन हैप्पा गन के टीके लगाएं, और दूसरा इसको मेरा स्टॉमिक पाउडर जो मैं बना रखा है, बता रखा है, वो इसको हफ्ते में 2 दफ़ा दे दिया करें, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अल्लाह फजल करेगा। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन जिसमें बंदे सुबह करते हैं और 2 फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, उनमें से एक कहता है, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को बेहतरीन बदला अता फरमा, और दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह रोक कर रखने वाले के हिस्से में हलाकत कर। बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। फ़ीमान अल्लाह।